प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त हो गया तो बुध का मतलब क्या होता है? बुद्धि, ब्रेन, शार्पनेस। तो अगर आपका बुध अस्त हो गया तो बुद्धि तीव्र नहीं होगी, व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाएगा। बुध अस्त हो गया तो हमेशा वहम और हमेशा दुविधा में घिरा रहेगा और नकारात्मक विचार रखेगा, ज्यादातर चीजों का नकारात्मक पक्ष देखेगा, निगेटिव सोचेगा। क्या उपाय करना चाहिए? नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करिए अगर आपका बुध अस्त हो गया है तो। बिना तेल मसाले के हरी सब्जियों का सेवन करिए और बुध को प्रबल करने के लिए श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की आप जितनी पूजा करें या भगवान कृष्ण की आप जितनी पूजा करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। बृहस्पति का मतलब होता है ईश्वर की कृपा और जीवन की पॉजिटिविटी, जीवन की शुभता। अगर आपका बृहस्पति अस्त हो गया हो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? व्यक्ति तामसिक वृत्तियों का, खराब आदतों का शिकार हो जाता है, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग करने लगता है। व्यक्ति को पेट की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, खास तौर से लीवर में ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। अगर महिला हैं तो विवाह होने में भी मुश्किल होगी और विवाह चलने में भी मुश्किल होगी। क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान को रोज सुबह जल चढ़ाइए, जल में थोड़ी हल्दी मिला करके। किसी न किसी रूप में सोना जरूर पहनिए, स्वर्ण जरूर धारण करिए या पीतल पहनिए। बुजुर्गों की सेवा और सहायता भी आपको करनी चाहिए और बृहस्पति के लिए भी भगवान शिव की पूजा की जाती है, तो भगवान शिव की जितनी पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।